हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओडोमॉस मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे है ये, तो इसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि कितना ये यूजफुल है या नहीं, या इसे लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो मच्छरों से हम कैसे बचें, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले ओडोमॉस हम देखते के साथ ही सबसे पहले माइंड में ये हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम इसे छोटे बच्चों को लगा सकते हैं या नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और भी टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये मैं ये बताऊंगी कि आपको ओडोमॉस किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है और कौन सा ओडोमॉस बेस्ट है। दूसरा, इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगी, जितने भी फॉर्म्स मिलते हैं इसके, जैसे क्रीम है, जेल है, स्प्रे है, जो भी है उन सब के मैं प्राइस भी बताऊंगी, और स्प्रे का जो मैंने भी यूज़ किया है इसका प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और किन किन बीमारियों से हमें बचाता है ये वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और क्या हम छोटे बच्चों को लगा सकते हैं, क्या हम इसे प्रेग्नेंट लेडीज के स्किन पर लगा सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों के शुरू होते के साथ ही मच्छर भी बढ़ने लगते हैं, तो मच्छर आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को फैला देते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एंसेफ्लाइटिस, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनको मच्छर फैला देते हैं और बहुत ही खतरनाक बीमारी। अब बात कर लेते हैं ओडोमॉस के स्प्रे की पर्सनल रिव्यू की, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और अपना पॉकेट फ्रेंडली है और बजट में भी आता है अपना, और लगाने में भी बहुत ही आसान है और स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप देख रहे हैं ये एलोवेरा से भरपूर है, तो आप देख रहे हैं कि एलोवेरा जो होता है स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, तो एलोवेरा भी इसके अंदर है। तो ये देखिए, यहाँ से स्प्रे है, ये देखिए इस तरह से, बहुत ही इजी है ये देखिए, और बिल्कुल स्किन में स्टिकीनेस नहीं लगता, और लगाने के बाद इसमें स्वेटिंग भी नहीं होती है क्योंकि स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए जो पैचेस होते हैं वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो छोटे बच्चे की स्किन पे लगाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, उनके कपड़ों पर स्प्रे करके एकदम पैच की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैचेस थोड़े से कॉस्टली होते हैं और एक ही बार वो यूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक बच्चे के स्किन पर कपड़े रहेंगे 8 से 12 घंटे जैसे का प्रोटेक्शन देता है, तो उतना ये इतने का देता है प्रोटेक्शन, जैसे इस पे 8 घंटे लिखे हैं तो इतना प्रोटेक्शन ये देता है। तो छोटे बच्चों के लिए पैचेस का भी काम करता है और स्प्रे का भी काम करता है, स्टिकीनेस बिल्कुल नहीं है। ये हुआ मेरा पर्सनल रिव्यू, तो आ जाते हैं हम इसके प्राइस पर। ये 100 ml की बॉटल है और ये मेरे को 81 rupees में मिली थी, बाकी इसका प्राइस 85 rupees का है, इसी तरह से है कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट में भी, आप देखते हैं कि ऑनलाइन कभी कभी डिस्काउंट में भी आपको मिल जाता है, तो ये 100 ml का मेरे को 81 rupees में मिला था, बाकी इसका प्राइस इस पर अभी नहीं है शायद से, तो ये इसका 85 rupees का इसका प्राइस है 100 ml का। ये कई फॉर्म से मिलते हैं, जेल फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में, जिसको स्टिकर्स भी हम लोग बोलते हैं, जो स्टिकर्स होते हैं वो 10 stickers से अराउंड शुरू हो जाते हैं, तो उसका प्राइस होता है 140 rupees के 10 stickers होते हैं, और जो 24 stickers वाला होता है वो 300 rupees के अराउंड आता है। और क्रीम भी आप देखेंगे कि वैसे तो 10 और 20 rupees से शुरू हो जाती है, बाकी 20 rupees से, 10 rupees से तो नहीं पहले आया करती थी, अब तो नहीं आती, तो 20 rupees से इसकी क्रीम्स शुरू हो जाती हैं, पर बाकी वो थोड़ी स्टिकी होती हैं, लगाने के बाद पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो क्रीम होती है 80 grams की जो होती है, 70 rupees की होती है, पर मैं आपको चाहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप स्प्रे लें। ये स्प्रे जो आपको 81 rupees का मिल रहा है, ये आपके 2 से 3 महीने आराम से निकाल देता है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि एक तो ईजी टू कैरी होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, और बच्चों के कपड़ों पर भी हम लगा देते हैं, स्किन के बजाय फुल कपड़े पहना के मैं बच्चों की जीन्स वगैरह पे लगा देती हूँ, तो इस तरह से मैं इसको यूज करती हूँ। पैचेस का भी काम करता है और स्प्रे का, स्प्रे भी काम करता है, और जो स्प्रे होता है वो आपको मैंने बता ही दिया, क्रीम मैंने आपको बता दिया और पैचेस मैंने आपको बता दिए प्राइस के,
और अब हम बात कर लेते हैं क्या हम इसे छोटे बेबीज को लगा सकते हैं। तो वैसे ये क्लिनिकली प्रूवन है कि आप छोटे बेबीज को लगा सकते हैं। ओडोमोस रिपेलेंट मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम हैज ऑल्सो बीन टेस्टेड टू बी सेफ इवन फॉर बेबीज। तो हम इसको बेबीज को भी लगा सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो आप स्किन पर भी इसको लगा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। बाकी आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। थैंक यू।